अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार है और एक बहुत ही डेलिकेसी है, एंड इट्स सिंपली अमेजिंग, जो कि मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और मैं बहुत अरसे से चाह रही थी आप लोगों के साथ शेयर करना। तो आज फाइनली मैं रेसिपी के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ। प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। दे आर सिंपली डिलिशियस एंड वेरी इजी। तो आज हम आप लोगों के साथ मिलकर बना रहे हैं वेरी इजी, वेरी डिलिशियस बटर मिल्क बिस्किट्स। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। आप देख सकते हैं कितने मज़े का लग रहा है। एंड वी कैन ऑल्सो मेक सैंडविचेस विद दीज बिस्किट्स, विच इज़ अमेजिंग। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसको बनाने के लिए हमको चाहिए 2 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, 1 कप ऑफ बटर मिल्क, 2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1 whole stick of cold unsalted butter। तो सबसे पहले एक बोल में अपना 2 कप ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर ऐड करें और उसके अंदर डाल देंगे बेकिंग पाउडर, सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा। और अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और जो मेरा बटर की पूरी स्टिक थी, मैंने उसको ग्रेट कर लिया था। एंड मेक श्योर योर बटर इज़ कोल्ड बिफोर यू एड इट टू योर फ्लावर। आप उसको क्यूब्स में कट कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, बट मेक श्योर इट्स इन लाइक वेरी स्मॉल पीसेस। और अब अपने हाथों की मदद से उसको मिक्स करेंगे बटर के साथ, अपने फ्लावर के साथ बटर को मिक्स करेंगे। एंड मेक श्योर कि पूरे जो आपका फ्लावर है वो अच्छे तरीके से बटर को कोट कर ले, एंड इट विल बिकम लाइक अ सैंडी टेक्स्चर। जी, तो आप देख सकते हैं कि मेरा बटर एंड फ्लावर आपस में बहुत अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो चुका है एंड द टेक्सचर इज़ सैंडी। अब मैं इसके अंदर डालना शुरू करूँगी 1/2 to 1 cup ऑफ बटर मिल्क। तो उसको ग्रेजुअली ऐड करें और साथ साथ उसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाएं। यस, एंड यू हैव टू वर्क फास्ट, क्योंकि हमारा बटर मेल्ट नहीं होना चाहिए। सो अब अपने वर्क स्टेशन को और सरफेस के ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डालकर और उसके ऊपर अपने मिक्स किए हुए फ्लावर एंड बटर को उसके ऊपर डालें और उसको अपने हाथों की मदद से उसको एक आपस में जोड़ना शुरू करें। एंड एज यू डू योर हैंड मूवमेंट, इट विल बिकम लाइक अ डो, पूरी एक डो बन जाएगी, कुछ इस तरीके से उसका शेप आ जाएगा। अब अपने सरफेस पे थोड़ा सा फ्लावर लगाकर उसके ऊपर अपनी प्रिपेयर की हुई डो रखें और उसके ऊपर भी थोड़ा सा फ्लावर डालें और रोलिंग पिन के ऊपर भी फ्लावर जो है वो लगा लें, ताकि वो स्टिक नहीं हो, क्योंकि बटर जो है वो मेल्ट हो रहा होगा। तो वी हैव टू वर्क वेरी क्विकली। अब रोलिंग पिन की मदद से उसको जो है वो फ्लैट करें। 1/2 to 1 inches थिक होना चाहिए, क्योंकि यू वांट योर बिस्किट्स टू बी थिक। सो बहुत ज़्यादा उसको फ्लैट नहीं करना है। सो यू नो कि बटर मिल्क बिस्किट्स आर यूजली थिकर। तो अब एक कुकी कटर की मदद से उसको फ्लावर के अंदर डिप करके अपने बिस्किट्स को कट करना शुरू कीजिए। Actually, I tried to make another one, but it didn't work out. So don't make the same mistake as I did. जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें कट करने के बाद जो रिमेनिंग डो थी उसको ऊपर से स्क्रेप ऑफ कर लिया है, एंड माई बिस्किट्स लुक परफेक्ट। तो उनको प्रिपेयर करके आप एक प्रिपेयर की हुई पार्चमेंट पेपर से कवर बेकिंग ट्रे के अंदर रखना शुरू करें, एंड वी विल कट द रिमेनिंग डो। And 2 cups of flour ke sath I was able to make 8 biscuits and they were evenly sized and everything. Ab hum inko bake karenge at 350 degrees Fahrenheit and 177 degrees Celsius temperature par for 15 minutes and at the end 1 minute mein usko broil karenge taki acha sa golden color aa jaye. And don't forget to
ब्रश योर बिस्किट्स विद बटर। सो हमारे बटर मिल्क बिस्किट्स रेडी हैं। दे लुक सिंपली अमेजिंग, दे वर अमेजिंग अमेजिंग, दे वर सो डिलिशियस एंड यू कैन सी दे लुक ग्रेट। आई मीन दे वर सो फ्लेकी एंड सो यमी एंड सो बटरी, जस्ट एज वी वॉन्टेड। एंड अब मैं आपको एक सैंडविच बनाकर दिखाती हूँ। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने अपने बिस्किट्स को है स्लाइस कर लिया था, उसके ऊपर आई प्रिपेयर्ड माई होम मेड हनी सिराचा सॉस। कुछ भी नहीं किया, हनी को अंदर सिराचा सॉस डाल के उसको सॉस बना लिया, विच वॉज अमेजिंग। तो सॉस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, मीन दिस सैंडविचेस कैन वर्क विद और विदाउट सॉस। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अपनी फ्राइड चिकन, क्रिस्पी फ्राइड चिकन, जिसकी रेसिपी लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑन टॉप। एंड आप देख सकते हैं कि दिस सैंडविच लुक्स अमेजिंग, हनी सिराचा सैंड चिकन बिस्किट विच लुक्स अमेजिंग। तो आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कॉमेंट। आई एम टेकिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़ माई यूट्यूब फैमिली, टेक केयर।